Thank you.
बेटा किसी को सेलेक्ट किया क्या? नहीं पापा, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। अरे इतने सारे लड़कों के फोटो दिए, क्या हुआ बेटी, एक भी पसंद नहीं आया क्या? अच्छे तो सारे हैं, लेकिन अच्छे इंसान भी तो होने चाहिए ना। क्या मतलब है बेटा, फोटो देखकर कैसे पता चलेगा? जब मिलोगी तब पता चलेगा ना। नहीं पापा, पहली नजर में ही परख हो जाती है। ए पगली, लगता है कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। अगर ये बात सही है तो उसे घर लेकर आओ, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। थैंक यू। भैया ये गोल्डफिश। जी कहिए। सर कुरियर। सर किसका है? आपका ही है सर। 8086 गाड़ी आपकी है ना? मेरी गाड़ी है। ये आपके लिए है, यहाँ पे साइन कर दीजिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, अरे बिल जल्दी बना दीजिए ना, प्लीज जल्दी कर दीजिए ना। वो हरी कार वाले ने टक्कर मार दी। उस गाड़ी का नंबर नोट किया? वो बहुत तेजी से निकल गई सर, देख नहीं पाया। हे भगवान, खून तो बहुत बह रहा है। उठाओ इसे, उठाओ। जल्दी चलो। जल्दी। आराम से सर, आराम से। सिर को संभालिए। श्रुति, जल्दी से जाके इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। हाँ, आप लोग जाइए, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तेरे कान के नीचे रेड सिग्नल दिखता नहीं कि तेरे को अंधा है क्या? सर, सर सॉरी सर, सर यहाँ देखिए सर, इमरजेंसी है सर, प्लीज सर हमें जाने दीजिए। चलो चलो जल्दी जल्दी। मिस्टर, मैडम मैडम, एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज उसे देखिए। मरीज कहाँ है? आइए। Thank you.
छोड़िए इसका। सर हाँ छोड़ दीजिए। आप इनके रिश्तेदार हैं डॉक्टर? यस डॉक्टर। घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। ओके डॉक्टर। शी इज डेड। इस बॉडी को ले जाओ। डॉक्टर साहब हम कुछ नहीं कर पाए। आई एम वेरी सॉरी, वो मर चुकी है। डॉक्टर साहब मेरी बेटी कहाँ है, उसको क्या हुआ? वो अब जिंदा नहीं है। ये क्या हो गया? मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मेरी बेटी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। I'm sorry. कुछ भी करके प्लीज इसे बचा लीजिए डॉक्टर। प्लीज उठिए। कुछ भी कीजिए। देखिए अपने आप को संभालिए। उसके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए। कंट्रोल योर सेल्फ। प्लीज डॉक्टर किसी भी हालत में उसे बचा लीजिए डॉक्टर। Ready? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो गलत बजा रहा है? ए विक्की, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? सॉरी सर। ए सिद्धार्थ, $9,000 मिलते हैं एक रिकॉर्डिंग के, वो भी तू आजकल नहीं कर पा रहा है और यहां पे तू भीख मांग रहा है। मेरी भी नौकरी जाएगी तेरे कारण। सुबह रिकॉर्डिंग में तूने ऐसा क्यों किया? चल यहाँ से। तू नहीं छोड़ूंगा उसे, मार दूंगा। अबे तूने दिमाग का भेजा फ्राई कर दिया है इसलिए कि कोई मर गया सड़क पे? वो कोई भी हो सकता है। तू जानता भी था क्या उस लड़की को? किसी और गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया तो इसका मतलब तो इसकी जान ले लगा क्या? वो लड़की मर चुकी है, वो वापस नहीं आने वाली। 4 बोतल बियर पी और उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए भुला दे।
ये जिंदगी क्या है, इस जिंदगी के मायने क्या है, हम क्यों पैदा हुए, हम सब क्यों पढ़ाई करते हैं, और तुम दोनों मेरी बकवास क्यों सुन रहे हो? ये जीवन का गूढ़ रहस्य है। वो जो आ रहा है ना, उसके टुनटुने से निकले संगीत का तुम दोनों मतलब जानते हो क्या? सिगरेट लाया है क्या? नहीं। एक मिनट। सर सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, मैंने आपका म्यूजिक सुना था, वाओ, कमाल का था। मैं और मेरे दोस्त आपके संगीत के बारे में ही बात कर रहे थे सर। सर, आपके पास 100 रुपए हैं क्या? कोई बात नहीं सर, बाकी रुपए बाद में एडजस्ट कर लेंगे। सर, दारू पीना बुरी बात है ना? दारू हाथ से निकल गई, ज्यादा ज्ञान देना उल्टा पड़ जाता है। कोई बात नहीं। ए बॉयज, आ रहा हूं मैं। जल्दी खाओ बेटा। हाय महेश। मुंह खोलो, हेलो बोलो। थोड़ा और मुंह खोलो। दीदी, लिफ्ट ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? क्या बताऊं सिद्धार्थ, ये लोग रोज कोशिश करते हैं, पता नहीं और कितने दिन लगेंगे ठीक होने में। करो बेटा। बस अभी पहुंचा हूं मां, अभी तक नहीं खाया, बस खाता हूं। मां, मैं आपको कॉल करता हूं। हाँ करता हूं। हे महेश, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब तक सोए क्यों नहीं? चल। क्या देख रहे हैं वहां पर? ए महेश, दरवाजे पे कौन है, देखो ना। ए, बाहर क्यों गया था? कहाँ गया था बेटा, चला। तुम्हारे घर गया था ये? नहीं सर, बस दरवाजा नॉक किया था। दरवाजा नॉक किया था? हाँ। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। Thank you.
भैया हम सबको आप सड़क पे ले जाओगे? हमेशा तो तुम्हें लेके ही जाता हूँ ना। चल रुक क्यों गई बेटी, हाथ क्यों खींच रही है मेरा? सही हाथ लगा भाई। भाई वो आदमी तो वापस आ गया। लड़की की बैग वापस कर। ज्यादा हीरो मत बन समझा। जरा ये पकड़। मुंह मत चला, यहाँ किसकी हिम्मत है जो मुझे रोक सके? ए, दूर के क्या देख रहा है बे? चल चल निकल ले यहाँ से। ए, उसे क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा रहम आ रहा है? कौन लगता है तेरा? अरे कोई नहीं लगता। ए, बड़ा प्यार जता रही है उसपे और वो भी मेरे सामने। अब देख तेरी क्या हालत करता हूँ। यहाँ बैठा है। ए महेश क्या कर रहा है यहाँ? चल अंदर चल, चल उठ।
हुआ सिद्धार्थ? दीदी माफ कीजिए, मुझे एक ओपनर चाहिए था। ओपनर? प्लीज। लाती हूँ। तूने ये घर कब खरीदा था? 3 साल पहले। क्यों? इस घर में तेरे आने से पहले किसी ने सुसाइड तो नहीं किया था ना? अरे नया फ्लैट है यार, मैं ही पहला हूँ। अगर कोई अपनी अधूरी इच्छा के साथ मर जाता है तो वो भूत बनता है। पागल जैसी बात मत कर, इसीलिए तुझे बुलाते हैं सोने के लिए? मुझे डर लग रहा है यार। अरे डर क्यों रहा है तू, मैं यही हूं ना तेरे साथ। तूने हॉरर फिल्म्स देखी है ना? अगर वैसा ही भूत यहां आया तो? अरे बकवास बंद करो, चुपचाप सो जा, सो जा। हनुमान जी प्लीज मुझे बचा लेना, सिर्फ मुझे ही बचाना। अबे धक्का क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। हे, एक बार बोलने पर समझ नहीं आता, धक्का क्यों मार रहा है तू? दिमाग खराब हो गया इसका। बोला ना धक्का नहीं मारा मैंने। मुझे डर लग रहा है यार। ए, तूने धक्का नहीं मारा था ना? नहीं, मैंने धक्का नहीं मारा। भागो, बचाओ, बचाओ, बचाओ। ए, क्या कर रहे हो यहाँ पर? साहब बुला रहे हैं तुम दोनों को, चलो। यार अब तो पुलिस वाले भी भूत जैसे दिखने लग गए। नमस्ते सर। कौन हो तुम लोग, इतनी रात में इधर क्या कर रहे हो? सर हम लोग बहुत ही डिसेंट फैमिली से हैं सर। अंडरवियर से लग रहा है। सर मेरे घर में भूत घुस आया है। हाँ सर। हाँ तो रामसे ब्रदर्स की फिल्म में होता है वैसा ही हुआ है। ए, मैं तुम लोगों को बेवकूफ लगता हूँ क्या? सर अपना फोन देंगे क्या जरा? वो क्यों? दोस्त को फोन करके अपने लिए कपड़े मंगाने हैं सर। हम आपके पाँव बदल कर रहे हैं। वहाँ पैर हैं क्या मेरे? ए 303 मेंटल हॉस्पिटल में फोन करके पूछो वहाँ से दो पागल भागे हैं क्या? हम दोनों वायलिनिस्ट हैं सर, शंकर के ग्रुप में हम वायलिन बजाते हैं सर। ओह फिर नई कहानी। सर एक बार फोन दे दीजिए सर। नंबर बोल। 9845492628 सर। अरे चाय पियो और आगे निकलो। क्या पेपर के अंदर घुसे पड़े हो? कौन सी तुम्हारी 500 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है? भाई चाय। मैं इसे सॉल्व करूंगा। कैसे? लेकिन इसके पैसे लगेंगे। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, पर इस मुसीबत से मैं छुटकारा दिलवा। पर करेगा क्या तू? मिस माला,
1,00,000 लेकर आओ। टेबल पर 1,00,000 रुपया रख। क्या 1,00,000? जाके ले क्या। तुम्हारी पुश्तैनी गांव में घर के दक्षिण दिशा में एक कुआं है और उस कुएं में एक औरत की गिरने से मौत हो गई। अब वो औरत प्रेतात्मा बन गई है। 27 सालों से वो औरत वहां रह रही है। वो गुस्से से जल रही है। अब वो बदला लेने के लिए तुम्हें ढूंढते हुए यहां आई है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने उस पर अत्याचार किया था। मरते समय उस औरत के पेट में 4 महीने का बच्चा था। माँ और उसका बच्चा एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। अगर हम उसे बाहर निकाल के दफना दे तो? ए, बीच में मत बोलो। 100 ग्राम सोने का एक छोटा झूला बनाओ, उसे किसी सुनसान जंगल में गाड़ दो और फिर बिना पीछे मुड़े वापस चले आओ। तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। ये झूला कब गाड़ना होगा सर हमें? कल कर सकते हो। राजेश। यस मैडम। पैसे कहाँ हैं? बैग में डाले हैं। नहीं है, बैग में तो नहीं है। मैडम मैंने खुद डाले थे। तो गए किधर? पता नहीं। इन्हें बैग में रखते हुए मैंने भी देखा था मैडम। इसी जगह बैग में डाले थे। तो कहाँ चले गए? कहाँ गए होंगे, पैसे तो बैग में ही डाले थे। मैडम
मैडम मैडम राजेश? यस मैडम। हेलो क्या तेरे बाप से कार मांगी थी दी उसने दिया तो था ना जी अच्छा दी थी छोटी सी बच्चों वाली कार पकड़ा दी थी मैं कोई बच्चा हूँ क्या बात करती है कार दी थी चुप तुझे तो मैं वो उसी फ्लैट में रहती है फ्लैट नंबर 4 सिद्धार्थ कहाँ था तू मैं चलती हूँ महेश चलो आंटी को बाय बोलो महेश बाय बेटा बाय बोलो आंटी को सिद्धार्थ तुम्हारी माँ थोड़ी देर पहले ही आई है अगर कुछ राशन का सामान चाहिए तो मांग लेना ठीक है गनीमत है कि चाबी थी मेरे पास नहीं तो बाहर ही रुकना पड़ता कहाँ था तू वैसे घर तो बहुत चमक रहा है कोई नई काम वाली रखी है क्या तूने लो महेश की माँ चाय लाई माँ तू यहाँ पर क्यों आई है क्यों आई जब भी तुझे फोन करती हूँ बोलता है 10 मिनट में कॉल करता हूँ और फिर तू कॉल करता ही नहीं अरे हुआ क्या है तुझे पापा कहाँ हैं कंपनी के काम से बाहर गए हैं ये क्या देख रहा है तू माँ क्या हुआ तू इस घर से वापस चली जा लेकिन क्यों इस घर में भूत है माँ क्या कहा मैं सच कह रहा हूँ माँ इस घर में भूत है ओ किस दुनिया में जी रहा है तू मंगल पर सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं और तू है कि भूतों की बात कर रहा है वैसे तेरी गलती नहीं है तेरी शादी समय पे करवा देती तो ऐसी हालत नहीं होती हे अब कहाँ जा रहा है तू माँ इधर ही बैठ मैं अभी आता हूँ महेश भाई सुनो ना मुझे एक बियर चाहिए अभी क्या बियर चाहिए और अभी आप चुपके टेरेस पर बियर पीने जाते हैं मुझे पता है धीरे बोलो चिल्ला क्यों रहे हो मुझे अभी एक बियर चाहिए अरे अभी कहाँ से सुनिए दीदी ए, रुको रुको ला कर देता हूँ कहाँ गया था चल तू? किधर कहाँ लेकर जा रहा है तू तू क्या बियर की बोतल लेके आया है अरे कहाँ लेकर जा रहा है सिद्धू कहाँ लेकर जा रहा है
तू दारू पीने लग गया है? तू चुपचाप बैठ। तू कब से पीने लगा है? मुझे नहीं पता। तुझे पता है तेरे पापा को? क्या कर रहे हो सिद्धू? सिद्धू तू पीता है, तेरे पापा को पता चलेगा तो पता है क्या होगा? सारी दीवारों पर नंगी लड़कियों की फोटो चिपका रखी है, भगवान की एक भी फोटो नहीं। माँ वो सब पॉप सिंगर्स है माँ। हे भगवान, ये पॉप सिंगर्स नहीं पाप सिंगर्स है। अगर तू भगवान के फोटो टांगेगा तो तेरी दीवार नहीं टूट जाएगी। आजकल के लड़के ना, हे भगवान। माँ तू ऊपर सो जा, मैं नीचे सो जाता हूँ। नहीं बेटा, कमर में दर्द है, नीचे ही ठीक है। हे भगवान। ये क्या? चिल्लाया क्यों? चल दूध पी ले, ले तो। क्या है ना, ऐसा ही होता है जब भगवान की फोटो ना हो घर में। मिसेज जानकी जयराम? हाँ बोल रही हूँ। जी मैं डॉक्टर गिरीश बोल रहा हूँ, संगम हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से? कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ मैडम, एक प्रॉब्लम है, परेशान मत होइएगा। हाँ बताइए। आपके हस्बैंड मिस्टर जयराम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? जी हाँ मैडम, उनके एक पाँव में हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है। ओह नो। उनको हमारे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। फिलहाल तो वो ठीक है, लेकिन घर नहीं जाना चाहते क्योंकि घर में किसी को पता ना चले इसलिए। बट यहाँ कोई केयर टेकर लगेगा। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पर स्टाफ की काफी कमी है, तो आपके यहाँ से कोई आ जाए तो ठीक रहेगा। मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? जब आपके हस्बैंड बेहोश हो गए थे तो हमने उनकी जेब चेक की, आपका नंबर वहीं से मिला। सॉरी ऐसा करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर। यस मैम। फोन जरा तुम्हारे बगल में खड़े मेरे बेटे को देना। तो अपने दोस्तों से मिलकर ड्रामा कर रहा है। मैंने झूठ बोला था कि तेरे पापा बाहर है, वो इस समय घर पे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो उन पर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे बताने के लिए मना किया था। उन्होंने तो क्रिकेट देखने के लिए छुट्टी ली है, अब तू मुझे चिंता में डाल रहा है। क्यों मुझे वापस भेजना चाहता है? पहले बोला कि घर में भूत है, फिर बोला कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक बात सच बता, कहीं तू किसी लड़की के साथ तो नहीं रह रहा? अरे माँ ऐसा कुछ भी नहीं माँ। तो क्या बात है? तू घर आ, खबर लेती हूँ तेरी। आंटी इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तेरी भी खबर लूंगी मैं। तू भी घर आ। सुन सिद्धू, मार्केट जा रही हूँ, चिकन लाऊं या मटन लाऊं? हाँ, जहर खरीद के लाना और उसी की कड़ी बना के मुझे खिलाना। प्रॉब्लम अनसॉल्वड। ये घटिया आइडिया तेरा ही था, सब फेल हो गया ना। तो खुद ही बात कर लेता ना आंटी से। फोन करने का आइडिया तेरा ही था ना। एक तो ज्यादा बोल रहा है। चुपचाप बैठो ना, जहाँ मेरी वाट लगे और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। अगर उस लड़की ने मेरी माँ को कुछ कर दिया तो? मेरी माँ वहाँ के लिए, अगर उस भूत ने कुछ कर दिया तो? और फिर उस जंगल में एक भूखा शेर घूमते रहता था। हर दिन वो किसी ना किसी जानवर को खा जाता था। एक दिन उसने एक गाय को पकड़ा। कहीं और नहीं, गाय ने शेर को बोला, शेर जी मुझे छोड़ दो। एक्सक्यूज मी मैडम,
आप वो सिद्धार्थ की मम्मी है ना? हाँ, क्यों? वो क्या है ना कि सिद्धार्थ ने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे, वो घर पर है क्या? एक मिनट पकड़ो। लगता है आज ही तो मुझ पे मेहरबान हो ही जाएंगी। थैंक यू मैडम। टमाटर का भाव आजकल बहुत बढ़ गया है ना? सही कहा, पर कर भी क्या सकते हैं? अब कर भी क्या सकते, खाना तो पड़ेगा ना। चलो महेश। तो कहाँ थे हम लोग? गाय ने शेर से बोला, घर पे मेरा बछड़ा है, मैं उसे देख कर आती हूँ। शेर ने बोला, हाँ मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू वापस थोड़ी ना आएगी। फिर गाय ने बोला, मुझे छोड़ दो प्लीज। ए, कितना गंदा खाना बनाया तूने। क्या करूं मैं, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही बनाया। जुबान लड़ाती है। जब देखो आप शराब पी के मुझे मारते ही रहते हो। ए, वो बंद रखा अपना। कभी भला नहीं होगा आपका, बर्बाद हो जाएंगे आप। ए, तेरी तेरी। भगवान, अरे क्यों इस तरह मार रहे हो उसे? इंसान हो या हैवान, जानवर की तरह पीट रहे हो? ए, ये मेरी बीवी है, झापड़ भी खाएगी पापड़ भी खाएगी, तू कौन होती है रोकने वाली? एक औरत पर हाथ उठाओगे तो मैं बोलूंगी ही। भगा इसको। अरे मैडम आप जाइए, ये तो जानवर है, जानवर। क्या कहा? जानवर हूँ मैं, जानवर हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। छोड़ दूँ इसे? छोड़ दूँ इसे? ए, कौन लगती है तेरी ये? और नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगी? पुलिस को फोन कर दूँगी। कर, कर फोन कर। सुनो माँ जी, आप प्लीज ऊपर आइए। ए, तू पुलिस को बुलाने वाली थी ना? चल बुला। तुझे लगा है मैं सिर्फ धमकी दे रही हूँ? अभी कर। तो ऐसा मत करिए। छोड़ मुझे। ये भगवान, बर्बाद हो जाएंगे आप, इंसान नहीं है आप तो हैवान है, हैवान। ए, सब तेरी वजह से हो रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज तो तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तू चलाती है मेरे सामने। बैठिए। रीतो रुक। बेटा
महेश दरवाजा खोलो बेटा, महेश, ए महेश, फिसल गई थी। कहाँ पर? बाथरूम में। ऐसा तो नहीं लगा ना किसी ने आपको धक्का मारा? क्या? जरा ठीक से सोच के बताओ, ऐसा तो नहीं ना किसी ने आपको धक्का मारा था? बाथरूम में और कौन आएगा? क्या क्या हुआ, क्या बात है सिद्धू, क्या है? ठीक से सोच और बता यहाँ पर क्या हुआ था। हे भगवान, साबुन उठाया, साबुन हाथ से गिर गया, उसे उठाने के लिए झुकी और फिसल गई, सर इससे टकराया और चोट लग गई, बस इतना ही। खा मेरी कसम और बोल। तुझे मानना है तो मान, नहीं तो जा। लो चाय पी लो। सिद्धू, मैं देख रही हूं तू परेशान रहता है, आखिर बात क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। किसी लड़की का तो चक्कर नहीं? नहीं माँ। तो फिर वो सैंडल किसकी है? मेरे पहचान की एक लड़की की है। क्या मैं मिल सकती हूँ उससे? वो मर चुकी है। उसके मरने के बाद? मरने के बाद कुछ नहीं माँ, छोड़ो। सिद्धू, मेरे रहने से तुझे परेशानी हो रही है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। तो ठीक है, मेरी टिकट बुक कर दे, मैं दोपहर के बस से चली जाती हूँ। सच में? सामने की सीट बुक करना, लॉन्ग जर्नी है, कमर में दर्द नहीं चाहिए। जी माँ। पागल। स्टार्स, उसके आगे मिल्की वे, उसके आगे गैलेक्सीज, और फिर उसके आगे क्या होगा? शायद भगवान कभी रिलैक्स करने के बारे में सोचता ही नहीं है। मुझे ऐसे मत देखो, आखिर उसने कैसे किया होगा ये सोचो। साहब, लिफ्ट चालू हो गई साहब। कौन है? माजी, माजी, माजी। माजी, माजी, क्या हो गया, क्या करूं मैं माजी? सुनिए, सिद्धार्थ की माँ बेहोश हो गई है, सर पे चोट लगी है, सिद्धार्थ का नंबर है क्या? हाँ माँ जी, माँ जी, फोन उठाओ, सिद्धार्थ जल्दी आओ, तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है। मेरी माँ को क्या हो गया? मुझे नहीं पता।
कहाँ छुपी है तू? बाहर निकल! अरे बाहर आ तू! चाहती क्या है तू? ऐसे क्यों मार रही है मुझे? आखिर क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? तेरे लिए मैंने इतना सब कुछ किया और तू है कि मुझे मारने पे तुली है? तूने अपनी आंखों से नहीं देखा कितनी कोशिश की थी तुझे बचाने के लिए? तेरे लिए हर कोशिश की। तेरे मरने के बाद मुझे कितना दुख हो रहा है ये मैं ही जानता हूँ, तुझे कुछ नहीं पता। और ये देख, तुझे तो नहीं बचा पाया पर तेरी सैंडल अब तक बचा कर रखा हूँ। पर तू है कि मुझे मारने पे तुली है? मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू उन्हें भी मारने चली? आखिर जाती क्या है तू? क्यों पीछे पड़ी मेरे? जाती क्यों नहीं यहाँ से? छोड़ मुझे, चली जा यहाँ से, चली जा। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना तो मैं इससे अपना गला काट दूंगा। मैं मर के तेरे पास आऊंगा और बदला लूंगा। पेशेंट का नाम पता चल गया है। ये लो, ओपी वार्ड है ना? हाँ, आप आइए। हाँ। मैडम, इस पेशेंट के डिटेल्स बताइए ना। मैं पेशेंट की डिटेल्स नहीं बता सकती। प्लीज मैडम। नहीं नहीं, नहीं, नहीं बता सकती। प्लीज प्लीज। ये रूल्स के खिलाफ है। नमस्ते भाई। आ? क्या है बोलो। ये लो। थैंक यू सो मच। थैंक्स। चलो अच्छा हुआ एड्रेस तो पता चला। हे यस यस, एड्रेस मिल गया। हाँ हाँ। उस पैसेंजर की वजह से उस दिन मैं बहुत लफड़े में फंस गया। अरे हाँ। भाई हाँ? हम एक ऑटो ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं। कौन चाहिए भाई, हम लोग तो 8 जन हैं इधर। पिछले हफ्ते जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो लड़की मर गई थी। ऑटो नंबर 6598। ए बसंत के बारे में पूछ रहा है। तू चुप रहे ना। उस ऑटो में लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए थे। अच्छा वही तो। ए चुप रहे ना भाई, उसका नाम सुंदरलाल तिवारी है। वो आगे की चाय की टपरी पर बैठा होगा, जाओ वहाँ जाकर देख लो। थैंक यू भाई। चलो भाई। हाँ अच्छा मैं क्या यार, तुम लोग हमेशा मजाक करते रहते हो। ए तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? चाचा आपने क्या मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। याद है आपको लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उसे लेकर हम दोनों हॉस्पिटल गए थे। तरह की, अब तुम लोग दिमाग खाने के लिए आ गए। पहले ही पुलिस पूछ पूछ के दिमाग खा चुकी है कि ये कार थी कि वो कार थी। चाचा क्या आपको उसका एड्रेस पता है? मुझे नहीं पता। चाचा अब ये क्या है? ये रख लो और हमें एड्रेस बता दो प्लीज। ए ऑटो ड्राइवर को क्या समझते हो तुम लोग? मैं बिकाऊ नहीं हूं, किसी से 1 रुपया ज्यादा नहीं लेता। 500 रुपए की दिहाड़ी काफी है मेरे लिए और वो मैं आराम से कमा लेता हूँ। अब टाइम खराब मत करो, जाओ यहाँ से। अरे भाई 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 प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, भगवान के लिए मेहरबानी होगी। ए आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? कोई 1000 रुपए देने चला आता है तो लड़की का बाप 10,000 देता है। लड़की मरी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम लोगों ने मुझे क्या भिखारी समझ के रखा है? पर उन्होंने आपको क्यों पैसे दिए? भूत घुस गया उसके, वो किसी भी तरह अपनी बेटी के हत्यारे को ढूंढना चाहता है। रोज सुबह 6 बजे मेरे पास आ जाता है। कौन सी कार थी, कैसी कार थी, कौन से रंग की थी, क्या नंबर था, पुलिस भी बार बार पूछताछ करने आ जाती है। जीना हराम कर दिया है मेरा। 2 दिन से वो बुढ़ा नहीं आया, वो नहीं आया तो तुम लोग आ गए। चाचा प्लीज, चाचा उस लड़की का हमें एड्रेस दे दो चाचा प्लीज। क्या रे, पैसे से काम नहीं हुआ तो पैर पकड़ लिए। चाचा प्लीज, चाचा प्लीज, चाचा प्लीज एड्रेस बता दीजिए प्लीज। चाचा बता दो ना एड्रेस प्लीज। चाचा प्लीज, चाचा प्लीज, चाचा। बदलापुर स्टेशन के पीछे एक आइस फैक्ट्री है, वहीं पर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ओ भाई साहब, इस आइस फैक्ट्री के मालिक कहां मिलेंगे? इतनी दूर किस लिए आया? समाधि देख के वापस जाने के लिए? इसकी तो और क्या कर सकते हैं? वो आदमी तो दारू पी के निकल गया है। सब लोग उसकी समाधि बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे इन लोगों ने लड़की को दफना दिया है। हाँ तो इसीलिए तो वो तेरे घर पे है। अगर उसे जला देते तो इस मुसीबत में तू नहीं होता। तो अब क्या करे भाई? तू उसे खोद कर निकाल और जला डाल। ये गलत होगा यार। उसका बाप भी तो गलत कर रहा है। अगर कायदे से देखा जाए तो लाश को शमशान में जलाना चाहिए था। वो हमारे लिए सिर्फ एक लाश है, पर उसके लिए तो उसकी बेटी थी ना। तूने उस लड़की का चेहरा देखा था ना? हॉस्पिटल में पड़ी हुई माँ का चेहरा देखा था तूने? बात करता है। इनको ये 100 ml दे दो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर चिंता की बात नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। उन्हें डिस्चार्ज कब तक मिल सकता वो... है? कौन है आप? सिद्धार्थ का दोस्त हूँ। यहाँ इतनी भीड़ नहीं चाहिए। इन सबको बाहर जाने के लिए कहो। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ 3 दिन बाकी है। आज उस भूत की आखिरी रात है। सिद्धार्थ, पंडित ने दरवाजा सुबह तक खुला छोड़ने बोला है। मैं महेश के पापा को कॉरिडोर में सोने बोल देती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। स्टॉप, तुम लोग जरा ये देखो कि गैलेक्सी के अंदर क्या है और गैलेक्सी में क्या नहीं है, ये भी देखो। बस 5 मिनट में आता हूं। गैलेक्सी क्या बोलकर गया ये? क्या हुआ प्लूटो? तुम लोगों ने खाना वाना खाया? हाँ खाया हमने। अरे पर मैंने नहीं खाया ना, मुझे 500 रुपए चाहिए। ब्रो देख हमारा दिमाग मत खा, जा यहाँ से। अच्छा दारू पीने के लिए पैसे हैं और मुझे देने के लिए पैसे नहीं है? अरे मारना मत बेवकूफ कहीं का। आप क्या कर रहे हो सर? भाई आखिर आप करने क्या वाले हो? चोरी करूंगा। लेकिन चोरी करना तो पाप है। बंद घर में चोरी की तभी पाप लगता है। सैंडल को लाइट में सजा के रखा है और मेरी इज्जत नहीं करता। ये क्या है? तुमने खाना खाया? मैंने नहीं खाया, बट तुम्हें खाना मिलेगा, चाहे तुम मेल हो या फीमेल हो। लकी मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। 200 सालों तक जियो।
What is this? खाली है। ये मूर्ति भी इसी की जैसी है। पैसे मांगो तो नो नो। कैमरा? अब क्या लूं? भगवान जी माफ करना मुझे, ये अच्छा है। घड़ी पर ये काम नहीं कर रही। यहां भी कुछ नहीं, ये चल जाएगा। ये यहां कैसे आ गया? मैंने तो वहां टेबल पर रखा था।
क्या बिल्कुल तोड़ रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? ए हटो, मत तोड़ो। आपने उसकी लाश को जलाया क्यों नहीं, यहाँ क्यों दफना दिया? तुम कौन आते हो पूछने वाले? हटो। आस पड़ोस में हम भी रहते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे हम चुप रहेंगे क्या? ए भाई रुक जाओ प्लीज। अरे वाटो, मेरी बेटी की कब्र क्यों तोड़ रहे हो तुम लोग? मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो उसे। अरे पापी हो, अरे मुझे मार दो, लेकिन मेरी बेटी की कब्र मत तोड़ो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ए छोड़ो। ए क्या क्या तूने? ए सिद्धार्थ, आपकी बेटी मुझे मार रही है, वो मुझे मार रही है। क्या वो मेरी सगे वाली लगती है? उसे कोई और जगह नहीं मिली जो मेरे घर पर आकर बस गई? वो उस कार वाले के घर पर क्यों नहीं गई जिसने उसे उड़ाया था? मेरी माँ का क्या कसूर था? आज वो हॉस्पिटल में सिर्फ उसी की वजह से है। उन्हें अगर कुछ भी हुआ ना तो देख लेना, तुम्हारी बेटी अगर जिंदा होती तो उसका गला भी दबा देता। चलो मेरे साथ, उसकी लाश को बाहर निकालो और उसे जलाओ, आज ही जलाओ उसे, फिर ही वो मेरे घर से बाहर निकलेगी। मेरी बेटी तुम्हारे घर में? चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, आपकी बेटी राक्षसी बनकर मेरे घर पर बैठी है। चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे जाना है। अपनी बेटी को लेकर जाइए। ए हटो, मेरी बात मानिए, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। बाजू हटो। आपकी बेटी यहाँ है, उसे लेकर जाओ। ए ये क्या जबरदस्ती है, आधी रात को तुम लोग मुझे अपने घर पर ले आए? मेरे सीधेपन का नाजायज फायदा मत उठाओ। क्या करेगा तू? हाँ देखिए, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जब आपकी बेटी मर रही थी तो उसे हॉस्पिटल में ही लेकर गया था, और अब देखिए आप। ए मेरी बेटी मर चुकी है ना, तुम्हें उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे ना? बताओ कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए? फालतू की बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी भूत बन गई है, पिशाच बन गई है बोल रहे हो? झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है तुमको? क्या कह रहे हैं आप? आपकी बेटी जो कर रही है वो सही, और मैं जो कर रहा हूँ वो गलत। मेरी बेटी के बारे में बकवास मत करो। हे सिद्धार्थ, हाँ तेरी माँ का फोन है हॉस्पिटल से। माँ? आइए मेरी माँ से ही पूछ लीजिए कि आपकी बेटी ने उनके साथ क्या किया। हेलो माँ, किसने तुझे धक्का दिया बाथरूम में? किसने तुझे मारने की कोशिश की? मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, तू जरा जोर से बोलना। माँ जोर से बोलिए, बताइए उस राक्षसनी ने आपके साथ क्या क्या किया था? वो राक्षसनी नहीं है। माँ तूने बोला था कि घर में कोई है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। जब बाथरूम में फिसल गई थी तो उसने मेरी जान बचाई। क्या कह रही हैं आप, और उसके एक दिन पहले भी तो गिरी थी। तब मैं बाथरूम में नहीं गिरी थी, वो तीसरी मंजिल वाला आदमी अपनी बीवी को मार रहा था तो मैंने उसे बचाने की कोशिश की, उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर पड़ी और चोट लग गई। मैंने तुझसे झूठ बोला, पर दूसरे दिन मैं वाकई बाथरूम में गिर गई। तब मदद के लिए कोई नहीं था, कोई शक्ति आई और उसने मुझे उठाया। तब मैंने उसे देखा, उस भूत को। वो राक्षसनी नहीं, देवी थी जो मुझे बचाने आई थी। मैडम, डॉक्टर साहब ने फोन पे बात करने के लिए मना किया है। Thank you.
रानी। यहाँ आ जाओ बेटे, बाहर आ जाओ। अपने पापा की तरफ देखो बेटी। आओ बेटी मेरे पास आओ। आ जाओ बेटी, घर चलो बेटी, घर सुना है। घर पर कोई नहीं है बेटी, चलो। बैग पे जाना है बेटी, चलो बैग पे जाना है। पापा के कमर में दर्द हो रहा है बेटी, तुम्हारे बिना फैक्ट्री कैसे चलाऊंगा बेटी। आ जाओ बेटी, आ जाओ। इस घर में आने की क्या जरूरत पड़ गई बेटी, यहाँ तो कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं है। ये लड़का बहुत ही भला है बेटी, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। जब मैं कुछ नहीं बोलता था तो तुम कहती थी बोलो पापा बोलो पापा, आज तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। चलो बेटी हम लोग साथ चलेंगे, चलो बेटी चलो मेरे साथ, हमें किसी पर बोझ नहीं बनना है बेटी, चलो मेरे साथ चलो बेटी। बेटी बेटी भवानी भवानी, तुम कहाँ जा रही हो बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? अरे कहाँ जा रही हो बेटी, कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपने पापा से प्यार नहीं करते? मेरे पास आ जाओ बेटी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अब मैं अकेले नहीं रह सकता, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है बेटी। आ जाओ बेटी, अपने पापा का हाथ थाम कर घर चलो बेटी, अपने घर में तुम देवी की तरह रहना बेटी। मैं अनाथ हो गया हूँ बेटी। अरे भगवान, मुझे पता नहीं था मैं अपनी बेटी के हाथ इस तरह देखूंगा। अब मुझे और जीने की इच्छा नहीं है, आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है ना बेटी। मरने के बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगा बेटी, पर उसके पहले मुझे एक जरूरी काम करना है बेटा। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ कि जिस आदमी की वजह से तुम आज इस हालत में हो। इस चाकू से मैं उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अरे क्या हुआ बेटी, कहाँ चली गई बेटी? भवानी, पापा। अपना हाथ आगे करो। क्यों बेटी? करो ना। ये क्या है बेटी? आज रक्षाबंधन है। तो मुझे क्यों राखी बांध रही हो? आप मेरे लिए माँ पापा भाई बहन सब कुछ हो, आपके सिवा कौन है मेरा? यार टाइम पास मत करो, चाय पियो और जाओ। सर थैंक्स बेटा थैंक्स। तुम्हारे लिए? मुझे भूख नहीं है सर। तुम क्या करते हो बेटा? सर मैं एक वायलिनिस्ट हूँ। मतलब ऑर्केस्ट्रा में शायद म्यूजिक बजाते हो, है ना? जी नहीं सर, मैं म्यूजिक डायरेक्टर शंकर रॉय के ग्रुप में हूँ। ओह सर मुझे माफ कीजिएगा सर, मैं आपके साथ बुरी तरह से पेश आया। कोई बात नहीं बेटा। नहीं सर, मैंने आपकी बेटी को गलत समझा, उसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा।
सर। मेरी बेटी भवानी। भवानी। सर, आपकी बेटी अगर जिंदा होती तो मैं आपसे उसका हाथ मांग लेता सर। सिद्धार्थ, मैं समझ गया मेरी बेटी तुम्हारे घर में क्यों रहती है। मैं अपनी बेटी को हमेशा कहते रहता था शादी कर ले, शादी कर ले। वो कहती थी जब भी मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा मैं शादी कर लूंगी, लेकिन सिद्धार्थ, मेरी बेटी तुम्हारा घर छोड़ देगी बेटा। सर। हाँ बेटा, आज शाम को मैं उसको अग्नि के हवाले कर दूंगा। सर, ऐसा मत कीजिए। इतने दिनों तक मैं उससे दूर भागता रहा पर वो मुझसे बिल्कुल भी दूर नहीं हुई। अब अंतिम संस्कार करेंगे तो वो चली जाएगी, पर हम दोनों को पता है उसके बाद हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए सर, उस आदमी को मैं ढूंढ निकालूंगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सर सर, मेरी बात सुनिए सर। नहीं, हम दोनों मिलकर उसे सजा देंगे। नहीं बेटा, नहीं। सर, हम भवानी का अंतिम संस्कार बाद में करेंगे। मुझे वो चाकू दीजिए। क्यों बेटा? मेरी बात मानिए, मुझे वो चाकू दीजिए। दीजिए सर। नमस्कार सर। क्या है रे? सर, इसका जरा ख्याल रखिए। इसने जो किया उसके लिए तुझे भी जेल में जाना चाहिए। बैठ जा वहां पर। तेरी वजह से ये दिन देखने पड़ रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम में से चंदू कौन है? मैं हूँ सर। श्रीनिवास तेरे चाचा है ना? हाँ सर। इस केस से तेरा क्या संबंध है? जो लड़की मरी है वो इसकी रिश्तेदार थी सर। सर, भवानी के पिता ने खाना पीना छोड़ दिया है सर। उसका दिमाग खराब है क्या? वो बच्ची तो मर चुकी है ना। वो फालतू में हम पुलिस वालों को परेशान करता रहता है। रोज हमसे पूछता है आप लोग कब अपराधी को पकड़ोगे। मैं सिर्फ उसकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। एक बात बता, तेरा क्या संबंध है उससे? अब इसके मामा हैं। सर, अगर पता चल जाए कौन था कार ड्राइवर तो? पता चल गया तो क्या कर लोगे? हम उसे सजा देते सर। तो हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? सर, अगर पता चल जाए कि किसने मारा है तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी सर। रोज 10 एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये सब तो चलता ही रहता है। सबका ठेका पुलिस लेगी क्या? उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। होगा कोई ऐरा गहरा, कार चुरा के भाग रहा होगा और बीच में लड़की आ गई, हो गया एक्सीडेंट, फिर कार छोड़कर वो वहां से भाग गया। कार कहाँ छोड़ी सर उसने? MG रोड पर। सर प्लीज बता दीजिए उस कार का मालिक कौन है? हाँ, ठाणे स्टेशन के पीछे वाले गैराज में आई थी बिकने के लिए। शोरूम के बाहर खड़ी थी तभी चोर उड़ाकर ले गया होगा। अब कार तो मिल गई ना, केस खत्म करो। मुझे चूना लगाएगा? क्वाइल कहाँ है? बता बता, क्वाइल कहाँ है? साहब, मैंने नहीं चुराया। बता कहाँ बेचा उसे? कसम से मैंने कुछ नहीं किया। निकल यहाँ से। क्वाइल 1 घंटे में लेके नहीं आया तो जिंदा नहीं बचेगा। आज जोड़ के कहते नौकरी दो साहब, नौकरी दो। ऐसे लोगों को नौकरी दो तो खुद नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सर क्या है? सर कोई सेकंड हैंड कार दिखा देंगे, हमें खरीदना है। आजकल सब नई गाड़ी खरीदते हैं, पुरानी गाड़ी कौन खरीदता है? बजट ही नहीं है सर, क्या करें। ठीक है, कौन सी गाड़ी चाहिए? अकॉर्ड या लांसर मिल जाती तो। ये दोनों गाड़ियां नहीं है यहाँ पे, आइकॉन फोर्ड है, देखना है क्या? क्या रेट है उसका? 4 लाख रुपए। सेकंड हैंड कार के लिए इतना ज्यादा रेट? ठीक है, तो तुम अपना रेट बताओ। 2 लाख रुपए। बस 2 लाख रुपए? एक मारुति ओमनी भी है, देखना है क्या? उसका क्या रेट है ये गाड़ी? ए, ढको उसको, बिकाऊ नहीं है ये गाड़ी। हाँ क्यों लगाया उसको? पर ये है कितने की ये तो बताओ। बार बोल दिया ना बिकाऊ नहीं है तो यहाँ क्यों खड़ी है? बीमार है इसलिए यहाँ आराम कर रही है। चलो चलो, तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं है गाड़ी खरीदोगे। हेलो, ए जाओ यहाँ से। बढ़िया है गाड़ी खरीदने वाले, गाड़ी में भी गाड़ी खरीद सकते है क्या? ज्यादा मत डाल, दे दे। हमें वो ग्रीन कार चाहिए। मेरा मालिक वो गाड़ी नहीं बेचेगा सर। क्यों? वो मनहूस गाड़ी है। क्यों, किसी को मार दिया क्या? नहीं नहीं, कारण दूसरा है। वो क्या है जरा बताओ ना।
भाई वो तो यहीं अंदर है भाई। भाई साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। तूने उस लड़के को क्यों मारा? अरे सर आप कौन है? चाकू हटाइए प्लीज। सच सच बता, तूने 10 नवंबर को किसी लड़के को अपनी गाड़ी से उड़ाया था ना? सर अपनी बच्ची की कसम खाता हूँ मैंने किसी को नहीं मारा। मैं गैराज से कार उठाई थी ना, सच सच बता। बता। सर किसी को बताना मत सर, मेरी बीवी को पता चल गया ना तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी। ग्रीन कलर की कार थी ना वो? हाँ सर। नगरवाड़ी सर्कल पर तूने ही तेज भगाया था ना? हाँ सर। और वहीं पर एक लड़की को उड़ा दिया था ना? यकीन कीजिए मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोलेगा तो तेरी गर्दन काट दूंगा। काट देना सर काट देना, पर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी आपने जो देखा ना वो ही सच है सर। ए, सच क्या है बता मुझे। सर अंदर जो औरत लेटी है ना वो मेरी बीवी है, लेकिन वो बच्चा हमारा नहीं है सर। क्या? 13 साल तक हम लोगों को कोई बच्चा नहीं हुआ, और जब हुआ भी तो मरा हुआ। मैं क्या करता, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चा मरा हुआ था उस वक्त, मैं क्या करता मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जानता हूँ सर चोरी करना पाप है। उस दिन मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल गया, वहाँ एक वार्ड में किसी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, मैंने एक बच्चे को चुरा लिया सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज। सर मेरा बच्चा मुझसे मत छीनिए सर, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी सर। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मेरा यकीन करो सर, मैं सच कह रहा हूँ। ए चंपा। क्या हुआ भाई? उस दिन हम हॉस्पिटल से बच्चा लेकर आए थे ना। मुझे कैसे पता होगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे ये मेरा दोस्त है सर, ये मेरी कजिन बहन है। मैं जा रही हूँ भाई। चंपा मेरी बात तो सुन, उस दिन नागरवाड़ी सर्कल पे एक्सीडेंट हुआ था ना एक लड़की का। हाँ? तूने देखा था क्या? स्कूटी से गिरी थी वही ना। क्या तुमने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? देखा था। क्या देखा था तुमने? मिला क्या? हाँ मिला। तो अब क्या करना है? मोबाइल किधर है? अंदर गाड़ी में। चाबी दे। हे सिद्धार्थ, हे सिद्धार्थ, हे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ दरवाजा खोल दे। सिद्धार्थ, हे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ पागल। छे चाचा बताइए ये कौन सा रंग है? चाचा आइए। अरे मेरा ऑटो। चाचा ऑटो। चाचा रुकिए। चाचा
सिद्धार्थ, मैंने उस कातिल को ढूंढ लिया जिसने आपकी बेटी को मारा। कौन है वो? मैं हूँ वो पापी सर। मैं ही वो कातिल हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मुझे सजा दीजिए। क्या बोल रहे हो तुम? नहीं सिद्धार्थ, तुम देवता समान हो, देवता समान हो बेटा। तुम उसे नहीं मार सकते, तुम उसे मार ही नहीं सकते, तुम नहीं मार सकते बेटा। नहीं सर, उस दिन सुबह
कैसे हुआ ये? वो उस हरी कार वाले ने टक्कर मार दी थी। तू क्या तेरे कान के नीचे रेड सिग्नल दिखता नहीं कि तेरे को अंधा है क्या? कहा था ये हरा रंग है भाई। मैं ही हूँ सर, मैं ही हूँ जिसने आपकी बेटी को मारा सर। मुझ पर दया मत कीजिए, मुझे मार दीजिए सर। मुझे मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ बेटा? मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मेरी बेटी तुमसे बेइंतहा प्यार करती है बेटा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता बेटा। हे भगवान, क्या इन दोनों बच्चों को मिला नहीं सकता? तुमने इन दोनों को क्यों जुदा कर दिया? बोलो भगवान, तुमने ऐसा क्यों किया? इस दुनिया में छोटी गलती भी माफ नहीं होती, पर आपकी लड़की ने मुझे क्यों माफ किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे समझ में नहीं आया। आप आइए मेरे साथ। किधर? मेरे साथ आइए। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो बेटा? सर, मुझे मारकर इसके बगल में दफना दीजिए। इस देवी के बगल में मुझे दफना दीजिए। ये लीजिए आपका चाकू, और इससे मुझे मार दीजिए। मुझे मार दीजिए सर। भवानी, बेटी, तेरा अंतिम संस्कार कर देना चाहिए था मुझे। मेरी बेटी यहाँ नहीं है, मेरी बेटी इस जमीन के अंदर नहीं है। मैंने उसे यहाँ नहीं दफनाया, सिर्फ अपने रिश्तेदारों की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह नाटक किया था। जब तक बदला नहीं ले लूंगा यह सोचकर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। अंतिम संस्कार नहीं किया। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं अपनी भवानी को तुम्हें दिखाता हूँ। आओ आओ बेटा, भवानी को देखो बेटा, आओ। Thank you.
नहीं, 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 नहीं